दोस्तों आपने आज तक औरतों की खूबसूरती के चर्चे सुने होंगे, पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उन हैंडसम पुरुषों की जिनकी खूबसूरती के आगे भाई साहब महिलाएं भी फेल हैं। इन लड़कों को देखकर भाई हर लड़की यही चाहेगी कि उनका हम सफर भी ऐसा ही हो। तो चलिए फिर बिना देरी किए मुलाकात करते हैं दोस्तों इन हैंडसम नौजवानों से। हेनरी कैवल। हेनरी कैवल का दोस्तों जन्म हुआ था 5 मई 1983 को ब्रिटेन में। ये ब्रिटिश के एक फेमस अभिनेता है। हेनरी ने अपने सुपरमैन के रोल से अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। ये अपनी शो टाइम की टीवी श्रृंखला दी ट्यूटर में 2007 से 2010 के बीच निभाई गई चार्ल्स ब्रांटन प्रथम ड्यूक ऑफ सफक की भूमिका के लिए फेमस है। ये सुपरमैन के रोल में दिखाई दिए थे। इसके अलावा उनकी कई और फिल्में हैं। उन्होंने इन मूवीज में अपने अभिनय से जो एक अलग जगह बनाई, वो जगह बना पाना दोस्तों वाकई काबिले तारीफ है। इसके साथ ही साथ इनकी पर्सनालिटी को देखकर हर कोई इन पर एक बार में ही फिदा हो जाता है। इन्हें साल 2013 में दोस्तों ब्रिटिश ग्लैमर मैगजीन ने वर्ल्ड सेक्सिस्ट मैन का खिताब भी दिया था। एम्पायर मैगजीन की बात करें तो हेनरी को दी 100 सेक्सिस्ट मूवी स्टार्स में तीसरा स्थान मिला था। उनके ड्रेसिंग सेंस और कातिलाना अंदाज पर दोस्तों लड़कियां अपनी जान छिड़कती है। ऋतिक रोशन। दोस्तों टॉप 10 हैंडसम लोग की बात हो और उसमें ऋतिक रोशन का नाम ना है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऋतिक की बात करें तो उनका जलवा बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी चलता है। आपने दोस्तों उनकी कोई मिल गया, कहू ना प्यार है, क्रेश ऐसी कई फिल्में देखी होंगी। और जो उनका लुक था ओए होए, उसके तो लोग आज भी दीवाने हैं। लड़कियां तो भाई पूरी फैन है। और धूम का वो लुक याद है, क्या गजब ठा रहे थे बॉस। एक मजे की बात तो ये है दोस्तों, इनकी आंखें ही इनको दूसरों से अलग बनाती है। इनकी आंखों का ही कमाल है जिनकी वजह से कुछ लोग इनका कंपैरिजन ग्रीक देवता से भी कर चुके हैं। ऋतिक रोशन का जन्म दोस्तों 10 जनवरी 1974 को मुंबई में रोशन परिवार में हुआ था। इनके पिता भी एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं। इनको बचपन से ही दोस्तों एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में ये बच्चों का रोल निभाते थे फिल्मों में। इनके पिता राकेश रोशन ने दोस्तों इन्हें फिल्मों के लिए बहुत सपोर्ट किया। और देखा जाए तो एक्टिंग का कीड़ा इनके अंदर इनके पिता राकेश रोशन की बदौलत ही आया है। और अपने फादर के संग दोस्तों इन्होंने कई हिट मूवीज भी दी हैं। इनके फिल्मी सफर की बात करें तो दोस्तों 1980s के जमाने में ही ये फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया करते थे। इनकी पहली फिल्म रही कहू ना प्यार है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़े थे। उसके बाद से ही ऋतिक रोशन लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। इस फिल्म के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। 2000 में इनकी एक और फिल्म आई थी फिजा, और 2001 में एक फैमिली मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम। इन फिल्मों में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिल्म कोई मिल गया के लिए ऋतिक रोशन ने 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्रिस एवंस। दोस्तों क्रिस एवंस का जन्म 13 जून 1981 को बॉस्टन में हुआ था। क्रिस की पर्सनालिटी की बात करें तो भाई इनके ब्लू आईज, क्यूट स्माइल के सभी दीवाने हैं। क्रिस को वर्ल्ड की नंबर 1 मैगजीन ने सबसे हैंडसम मैन बताया है। उन्होंने 2000 में ऑपोजिट सेक्स जैसी टेलीविजन सीरीज में काम करके अपने करियर की शुरुआत की। 2001 की नॉट अदर टीन मूवी सहित कई एडल्ट फिल्मों में दिखाई देने के बाद उन्होंने फैंटास्टिक फोर में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र द ह्यूमन टॉर्च के अपने किरदार के लिए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर के अलावा क्रिस एवंस ने कॉमिक किताबों और ग्राफिक नॉवल में भी काम करके अपना वजूद बनाया है। क्रिस एवंस की माँ लीसा कॉनकॉर्ड यूथ थिएटर में एक कलात्मक निर्देशक है और उनके पिता बॉब एक डेंटिस्ट है। उनके फादर जो है दोस्तों एक आयरिश वंश के हैं, जबकि उनकी माँ आधी आयरिश है और आधी इतालवी है। 1999 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। एवंस की 2 बहनें हैं, कार्ली और शन्ना, और एक भाई भी है जो कि अभिनेता स्कॉट एवंस के नाम से भी जाने जाते हैं। रॉबर्ट पैटिनसन। ये एक इंग्लिश एक्टर है जिनका जन्म लंदन में 13 मई 1986 को हुआ था। आपको बता दें ये एक्टर के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और एक सिंगर भी हैं। बहुत सारी खूबियों के धनी रॉबर्ट पहले शौक के तौर पर थिएटर किया करते थे, और ये शौक कब उनका पैशन बन गया पता ही नहीं चला। इनकी जो मम्मी है वो मॉडलिंग एजेंसीज के लिए काम किया करती थी। वहीं इनके पिता की बात करें तो वो कार इम्पोर्ट किया करते थे। रॉबर्ट की बड़ी बहन भी एक बेहतरीन सिंगर है। आपको जानकर हैरानी होगी, रॉबर्ट ने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 12 साल की छोटी से उम्र में ही कर दी थी। रॉबर्ट ने सन 2004 में बनी टेलीविजन फिल्म रिंग ऑफ द न्यूबलॉन्ग्स में और निर्देशिका मीरा नायर के फिल्म वैनिटी फेयर में सहायक भूमिका निभाई। हालांकि दोस्तों इस फिल्म में उनके दृश्यों को हटा दिया गया और ये दृश्य केवल डीवीडी के कलेक्शन में ही दिखाए गए। 12 मई 2005 में उन्हें ब्रिटेन के रॉयल कोर्ट थिएटर में द वुमन बिफोर के प्रीमियर के लिए भी चुना गया। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआत हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर फिल्म से की। साथ ही रॉबर्ट को ट्विलाइट सागा सीरीज में भी देखा गया और इन्हें दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की गिनती में भी लिया जाता है। डेविड बेकहम। दोस्तों आपको इतने हैंडसम लोगों के बारे में जानकर अच्छा तो बहुत लग रहा होगा, तो भाई जल्दी से इन स्मार्ट और गुड लुकिंग लोगों के लिए लाइक कर दीजिए। इनका पूरा नाम है दोस्तों डेविड रॉबर्ट जोसेफ। इनका जन्म 2 मई 1975 को लंदन में हुआ था। डेविड दोस्तों एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो फिलहाल अमेरिकन मेजर लीग सॉकर क्लब लॉस एंजलिस गैलेक्सी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर संयुक्त राज्य अमेरिका में खेलते हैं। डेविड जब मैदान में खेलते हैं तो लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन थम सी जाती है। सभी इनके चार्मिंग लुक्स के फैन हो जाते हैं और आई लव यू के नारे लगाते हुए सब चीयर अप करते हैं। अपनी क्यूट स्माइल और गुड पर्सनालिटी के चलते दोस्तों इनको वन ऑफ द सेक्सिस्ट मैन के खिताब से भी नवाजा गया है। जस्टिन पियर जेम्स ट्रूडो।
अभी तक हम बात कर रहे थे दोस्तों एक्टर, मॉडल, सिंगर या फिर प्लेयर की, पर अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये इनमें से नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने हैंडसम लोग की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि भाई क्या ही कहें। जस्टिन का जन्म 25 दिसंबर 1971 को हुआ था। जस्टिन एक राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 4 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उसी समय इन्हें जीवन भर के लिए सम्मान सूचक नाम शैली दी राइट ऑनरेबल से भी नवाजा गया। शपथ लेने पर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे सबसे युवा व्यक्ति थे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिता खुद कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये अपने अट्रैक्टिव फेस और स्मार्ट लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। नो मिल्स। अब हम बात करें दोस्तों फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में तहलका मचाने वाले नो मिल्स की, जो कि एक मॉडल और एक्टर हैं। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1983 को कनाडा में। ये फैशन की इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा चुके हैं। इनकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि जो भी इनको देखता है वो इनकी ओर खिंचा चला आता है। ये फैशन उद्योग में दोस्तों आइकॉन के रूप में भी अपनी जगह बनाने वाले मॉडल हैं। मिल्स ने टॉमी हिलफिगर, माइकल कोर्स और गैप इनके विज्ञापनों में भी रोल निभाया है। फैशन की दुनिया में दोस्तों इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। इनके करियर की शुरुआत तब हुई जब एक दिन एक स्थानीय स्कॉट ने उनसे संपर्क किया और पूछा क्या उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी होगी। इसके बाद दोस्तों ये न्यूयॉर्क चले गए और कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने अपना पहला रनवे शो कुची के लिए साइन किया। उमर बोरकन अलगाला। भाई हमने हॉलीवुड बॉलीवुड प्लेयर्स की तो बात कर ली है, पर अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अरेबियन कंट्री के खूबसूरत नौजवान की जिसने लड़कियों का दिल चुरा रखा है। ये दोस्तों उमर बोरकन अलगाला, जो ईरान की राजधानी बगदाद के रहने वाले हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1989 को ही हुआ। वहीं इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये अपनी कला का जादू कई जगह बिखेर चुके हैं। उमर पेशे से दोस्तों फोटोग्राफर, मॉडल और एक्टर हैं। इनको अगर कोई एक बार देख लेना तो ये गाना गुनगुनाने पर मजबूर हो ही जाएगा। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचाता हूं। आगे की लाइन भाई खुद ही जोड़ लेना। फिलहाल हम उमर की बात करें तो इंटरनेशनल सर्वे में उमर को दुनिया का सबसे खूबसूरत अरेबियन होने का खिताब भी दिया गया है। इनकी खूबसूरती की दीवानी भाई लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा है, इनकी एक झलक पाने के लिए हाय एकदम तरस ही जाती हैं वो। टॉम क्रूज। दुनिया के सबसे हैंडसम लोगों की बात हो रही है उस लिस्ट में, भाई इनका नाम ना कैसे हो सकता है ऐसा। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में 3 जुलाई 1962 को। ये पेशे से एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी है और बहुत नाम इन्होंने भाई फिल्मों के जरिए कमाया है। अपनी हेयर स्टाइल के लिए तो भाई हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ना जाने कितने लोगों की ये इंस्पिरेशन है। अब जानते नंबर 10 पे कौन है, तो ये है किम तेयोंग। दुनिया के सभी मोस्ट हैंडसम लोगों की बात चले और कोरिया के किम की बात ना हो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। किम तेयोंग को बनाने में ऊपर वाले ने भाई कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनको देखकर आप एक बार ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे, कोई इतना अट्रैक्टिव यार कैसे हो सकता है। किम तेयोंग को ज्यादातर लोग वी नाम से भी जानते हैं। ये एक सॉन्ग राइटर है और सिंगर है। इनका एक ग्रुप भी है दोस्तों बीटीएस के नाम से। तो ये है भाई दुनिया के सबसे हैंडसम लोग। आप मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम आपको कौन लगता है या इनके अलावा भी कोई लगता है, तो प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।